संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज पूरे देश में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर के जो पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट पे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि ये उतरेठिया है जहाँ पर जो ट्रेन है उसको रोकने का आह्वान जो है किसानों की तरफ से किया गया है, जिसके बाद यहाँ की जो सुरक्षा है वो काफ़ी पुख्ता कर दी गई है। बड़ी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो खुद भारी फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बैरिकेड्स कर दिया गया है ताकि जो किसान हैं वो यहाँ पर ना पहुँच सके, लिहाजा चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। जो रेलवे ट्रैक हैं वहाँ पर भी भारी संख्या में फोर्स जो है वो लगाई गई है। GRP और RPF को तैनात किया गया है और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर खुद जो अधिकारी हैं वो लगातार पूरे सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से कॉल की गई है उसको उसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो, लिहाजा यहाँ पर खुद मेरे साथ मौजूद है, हम सर से बात करेंगे। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं जिस तरह से कॉल की गई है? जो संयुक्त किसान मोर्चा का ये जो आह्वान था, रेल रोको आंदोलन था, उसके दृष्टिगत थाना क्षेत्र PGI में यहाँ पर उतरेठिया जंक्शन में यहाँ पर हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। PAC बल तैनात है यहाँ पर, जो स्थानीय पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, जो अधिकारीगण हैं वो भी मौके पर पहुँच गए हैं, GRP पुलिस मौके पर मौजूद है और किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। बैरिकेडिंग हो गई है और किसी भी दशा में रेल को रोकने नहीं दिया जाएगा, ये पहले से ही इन लोगों को क्लियर कट नोटिसेस मिल चुकी हैं जो इनके लीडर्स हैं, और किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, धारा 144 भी लगाई गई है और सीधे तौर पे कहा गया है कि यदि किसी भी तरह की स्थिति खराब करने की सिचुएशन बनेगी तो उनके खिलाफ ESMA की कार्रवाई की जाएगी। जरूर कार्रवाई की जाएगी, पहले से ही इन लोगों को बता भी दिया गया, सूचित भी कर दिया गया, लिखित रूप में नोटिस भी दे दिया गया है। यदि किसी भी तरीके की जो पब्लिक यूटिलिटीज़ है यदि उसमें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होती है तो जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो उनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। जो कुछ किसान नेता हैं सर, क्या हाउस अरेस्ट हैं या उनको रोका गया है? बातचीत चल रही है, इन लोगों से बातचीत चल रही है और हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है कि जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं वो किसी भी तरह से बाधित ना हो और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से उसको इंश्योर कराएंगे। तो बिल्कुल पूरी तरह से जो है पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्क दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से एक्शन में है। जो तमाम जो यूनियन के नेता हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है ताकि इस कॉल का जो व्यापार है वो लोगों के आम जीवन पर ना पड़े, लिहाजा बड़ी संख्या में PSC को भी लगाया गया है, GRP की जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं, जो RPF है उसको भी तैनात कर दिया गया हो। जाहिर सी बात है कि स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से पुलिस पर जो है वो तैनात दिखाई दे रहा है और धारा 144 तो लागू हुई, इसके अलावा ये भी निर्देश जारी कर दिया गया है कि यदि कोई भी जो है कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ ESMA की कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र साधन, कुंभारा समाचार, लखनऊ।